हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र एंड आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि डियर फ्रेंड्स, आपको पता चल गया होगा कि हम किसकी बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आपके क्या बिहार पुलिस मोबाइल स्क्वाड एग्जाम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने कमेंट्स बॉक्स में देखा तो मेरे को बहुत ज्यादा कमेंट्स मिल रही थी कि सर हमारा एग्जाम लास्ट डे में कंडक्ट हुआ था, तो प्लीज इसका कट ऑफ क्या जा सकता है, कुछ अनुमानित बताइए। तो मैंने सोचा दोस्तों, आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई भी दे दूंगा एंड इसके साथ साथ आप लोग यह जान सकेंगे कि हाँ आपका इतने स्कोर आ रहा है तो आप बड़े आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे आपके एग्जाम को। जी हाँ फ्रेंड्स, तो इससे पहले कि हमारी चीज को जान डिस्कस करें, आपके कट ऑफ को देखें, तो फ्रेंड्स आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और आपको देख रहा होगा कि अब वीडियो के बाजू में एक बेल आइकन घंटी के निशान, दोस्तों उसको भी दबा दें, प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो मिल सके आपको सबसे पहले। और हाँ जी फ्रेंड्स, आपको वीडियो आते ही पसंद तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों शेयर इसलिए बोलता हूँ ताकि आपके जैसे और भी फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर चैनल के सदस्य बन सके, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे और करते हैं हर एक बात को डिस्कस। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं अगली स्लाइड में और सबसे पहले बेसिक सी इन्फॉर्मेशन हम ले लेते हैं ताकि एक अनुमान लग सके कि हाँ हमारा कट ऑफ यही जा सकता है। फ्रेंड्स सबसे पहले बात आती है कि आखिरकार आप लोगों के जो टोटल एडमिट कार्ड हैं वो कितने रिलीज हुए थे। तो फ्रेंड्स यदि आपने यहाँ पर मोबाइल स्क्वाड का आपका एग्जाम दिया है बिहार पुलिस का, तो दोस्तों आपको बता दें, आपको पता होगा करीबन आपके यहाँ पर 37,771 के समथिंग यहाँ पर आप लोगों के टोटल एडमिट कार्ड रिलीज किए गए थे, जारी किए गए थे। अब दोस्तों इतने तो एडमिट कार्ड जारी हुए थे, बट यहाँ पर कितने अटेंडेंस रही, टोटल अटेंडेंस की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर टोटल अटेंडेंस क्या रही। तो फ्रेंड्स यदि आपने यहाँ पर एग्जाम दिया है बिहार पुलिस मोबाइल स्क्वाड का, तो दोस्तों आपको पता होगा यहाँ पर करीबन 29,048 के समथिंग यहाँ पर आप लोगों की क्या टोटल अटेंडेंस रही है। आप दोस्तों ये तो हुई कि हाँ सर इतने रिलीज हुए थे और इतनी अटेंडेंस रही, आखिरकार यहाँ पर परसेंटेज क्या है जो कि आपको पता बता सके कि हाँ आपका यहाँ पर टोटल अटेंडेंस का परसेंटेज जी है। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमको यहाँ पर वैल्यू सॉल्व करनी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे और करते हैं वैल्यू सॉल्व कि आखिरकार कितनी आपकी अटेंडेंस का लेवल है। तो डियर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अगली स्लाइड में, जहां पर मैंने यहाँ पे वैल्यू फोट कर ली है आपकी। दोस्तों आप देखिए कितनी वैल्यू निकल के आती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको जो 37,771 दिख रहा है, जी क्या है टोटल अटेंडेंस, आप मतलब कि आपके टोटल एडमिट कार्ड कितने जारी हुए थे, यहाँ पर ये 100% है और आपको निकलना है कि 29,000 आपका 48 कितना है 37,771 का। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप इसको क्या करेंगे, कट करेंगे, तो दोस्तों आपके समक्ष वैल्यू निकल के आएगी कितनी। जी हाँ दोस्तों, आपके समक्ष वैल्यू निकल के आएगी क्या, 76.90। जी हाँ दोस्तों, यह है आपकी टोटल अटेंडेंस का परसेंटेज, कहने का मतलब 76.9 आपकी टोटल यहाँ पर अटेंडेंस का लेवल रहा। अब दोस्तों जब आपका 76.9% टोटल अटेंडेंस रही, तो आपका यहाँ पर क्या कंपटीशन कितना खत्म हो गया। जी हाँ दोस्तों, आपका कंपटीशन खत्म हो गया करीबन 23.1। जी हाँ दोस्तों, 23% आपका कंपटीशन यहीं पर खलास हो जाता है। अब दोस्तों बात क्या करते हैं, आप करते हैं आपके कट ऑफ की बात कि आखिर इन सभी चीजों को देखने के बाद एंड आप लोगों ने जो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स किए हैं उन सभी का एनालिसिस करने के बाद, आपके पेपर का लेवल देखने के बाद क्या रह सकता है हम या आप लोगों का कट ऑफ। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके लिए हम बढ़ेंगे आगे और देखेंगे हर एक चीज। हाँ तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो कि हम आ गए हैं अगली स्लाइड में और सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी कैटेगरी किसकी, यू आर और ईडब्ल्यूएस की, जो कि टॉप पर रहती हैं, इनका कट ऑफ टॉप पर रहता है। सबसे पहले हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पहले मेल की, फीमेल का हम लास्ट में बता देंगे कितना रह सकता है आप लोगों का कट ऑफ। तो दोस्तों आपको बता दें, यदि आप बिहार पुलिस मोबाइल स्क्वाड एग्जाम में यूआर कैटेगरी से मार्क्स बना रहे हैं कितने, जी हाँ दोस्तों, यदि आप मार्क्स ला रहे हैं 100% एक्यूरेसी के साथ कितने, 64 से लेकर आपके 70 के बीच। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका इतना स्कोर है तो आप निश्चिंत हो जाए, नो टेंशन हो जाए, आपका सिलेक्शन डन है। ओके, आप बिल्कुल टेंशन ना लें यदि इतना स्कोर है, लेकिन बात एक रहेगी क्या 100% एक्यूरेसी, ये नहीं कि आप 70 करके आए हो तो 70 में से 35 तो आपके रॉन्ग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने जितने किए हैं आपके 100% ट्रू या एक्यूरेसी के साथ अटेंडेंस होना चाहिए, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस का।
अब फ्रेंड्स बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो दोस्तों आपने यदि बिहार पुलिस मोबाइल स्क्वाड एग्जाम में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से मार्क्स गेन किए हैं कितने? जी हाँ दोस्तों, यदि आपने मार्क्स आपके गेन किए हैं 61 से लेकर कहाँ तक आपके 64 के बीच, तो आपको भी टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, इतना स्कोर इनफ है, पर्याप्त है, क्योंकि आपने देखा कि आपका कंपटीशन का लेवल वैसे ही कम हो गया है। तो दोस्तों इतने में आप बिल्कुल सेव हैं, यू आर सेव, आप सेलेक्ट हो जाएंगे, आपको टेंशन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो फ्रेंड्स ये तो हुआ किसका, यू आर का और ई डब्ल्यू एस का। अब बात करते हैं कि ओबीसी का एससी एसटी एंड फीमेल का कितना रह सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स इसके लिए हमको जाना होगा नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे हम आ गए हैं अगली स्लाइड में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी कैटेगरी क्या, ओबीसी एससी एंड एसटी। तो दोस्तों आपको बता दें, यदि आप आपके बिहार पुलिस मोबाइल स्क्वाड एग्जाम 2020 में मार्क्स गेन कर रहे हैं कितने? जी हाँ दोस्तों, यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बात करते हैं, ला रहे हैं मार्क्स 58 से लेकर कहाँ तक? जी हाँ दोस्तों, यदि आप मार्क्स ला रहे हैं 58 से लेकर 64 के बीच, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर डन है, आपको भी टेंशन की आवश्यकता नहीं। लेकिन यहाँ पर बात वही है, 100% एक्यूरेसी, आपने इतने अटेंड किए हैं तो बिल्कुल फिक्स ही होना चाहिए, यहाँ पर आपकी गलत होने के कोई चांस नहीं बैठते। अब दोस्तों ये हुआ क्या ओबीसी का, बात करते हैं नेक्स्ट जो कि है एससी कैटेगरी। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, यदि आप बिहार पुलिस मोबाइल स्क्वाड एग्जाम 2020 में मार्क्स गेन कर रहे हैं कितने एससी कैटेगरी से, तो दोस्तों आपका स्कोर होना चाहिए करीबन 54 से लेकर कहाँ तक, 60 के बीच। जी हाँ फ्रेंड्स, आप 54 से लेकर 60 मार्क्स के बीच यदि मार्क्स गेन कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन भी यहाँ पर डन होने वाला है, आपको टेंशन की आवश्यकता नहीं, इतना स्कोर यदि आपने गेन किया है तो 100% एक्यूरेसी के साथ। तो दोस्तों ये तो हुआ आपका क्या ओबीसी एससी। अब बात करते हैं लास्ट जो कि है कौन सी, एसटी कैटेगरी। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से आपके एसटी कैटेगरी का नंबर रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एससी और एसटी में ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलता, बहुत से बहुत एक दो नंबर आगे पीछे। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, यदि आप बिहार पुलिस मोबाइल स्क्वाड एग्जाम 2020 में मार्क्स गेन कर रहे हैं एससी कैटेगरी से कितने? जी हाँ दोस्तों, यदि आप मार्क्स ला रहे हैं 49 से लेकर आपके कितने 53 के बीच, यदि आपका इतना स्कोर है तो विश्वास मानिए आपका सिलेक्शन भी 100% होने वाला है, आपको भी बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं कि सर मेरा स्कोर इतना है इतना है, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, इतने में आपका सिलेक्शन डन है। और दोस्तों बात करें, कभी कभी आपका ई डब्ल्यू एस और ओ बी सी में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, कभी ओ बी सी आगे रहता है तो कभी आपका ई डब्ल्यू एस आगे रहता है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिल सकता है 1 से 2 नंबर का। और फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे कि यह एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मतलब कहने का यहाँ पर 100% डन नहीं बोल सकते, क्योंकि दोस्तों हमारे पास यहाँ पर परफेक्ट आंकड़े नहीं रहते, यदि हमारे पास परफेक्ट आंकड़े रहे तो दोस्तों हम बिल्कुल 100% आपका कट ऑफ डन भी बता दें। तो दोस्तों आपको 1 से लेकर 2 नंबर का हेर फेर वेरिएशन बड़े आराम से देखने को मिल सकता है, इससे एक से लेकर 2 नंबर का भी कम भी जा सकता है, आगे भी हो सकता है। अब चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं क्या लास्ट आपका फीमेल का कितना जा सकता है कट ऑफ। तो डियर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अगली स्लाइड में, जिसमें हम बात करने वाले हैं आपकी फीमेल कैटेगरी का क्या जा सकता है कट ऑफ। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, चूंकि फीमेल है तो फीमेल का कट ऑफ दोस्तों आपके यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तक आपका स्कोर गेन करते हैं तो आपका यहाँ पर 100% डन हो जाता है क्या आपका सिलेक्शन। तो दोस्तों आपने यहाँ पर जाना किसका आपके हर एक कैटेगरी का कट ऑफ, मैंने यहाँ पर वन बाई वन करके हर एक का डिस्कस किया है, चाहे आपका यूआर हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो। लेकिन दोस्तों आप लोगों के लिए एक संदेश देना चाहूंगा क्या, तो दोस्तों आपका यहाँ पर संदेश यही है कि नंबर कम है, कहने का मतलब यदि आपके मार्क्स 1 या 2 कम आ रहे हैं कट ऑफ से तो आप टेंशन मत लो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपका लक भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। मैंने अपने स्वयं के अनुभव से और बहुत से कैंडिडेट को देखा है कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स वाले भी कभी कभी कैंडिडेट डिसक्वालिफाइड हो जाते हैं और कम से कम मार्क्स वाले भी कैंडिडेट आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों यदि आपका यहाँ पर 1 से लेकर 2 नंबर कम आ रहा है कट ऑफ से बैठ रहा है तो आप टेंशन बिल्कुल ना लें, आपका भाग आपका शांति कर। सबके लिए शुभ कामना है, जय हिंद जय भारत।